नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैंट की कमर किस तरह से जोड़ते हैं। दोस्तों, पैंट चाहे छोटी हो या बड़ी हो, एक ही साइज से दोस्तों जुटती है। क्या है कि ये पैंट का एक पल्ला है, वो चेन वाला है। इसको इस तरह से इसको सीधा कर लेना है दोस्तों, इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। और ये पाचा दूसरा है दोस्तों, इसके अंदर ये सीधा किया है, इसको इस तरह से अंदर दे देना है, इस तरह से अंदर दे देना है। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से बराबर में बैक साइड में कर लेना होगा। इस तरह से ये चेन आगे की साइड, इस तरह ये फ्लाई लगी हुई है, ये फ्लाई चेन वाली ये लगी हुई है। और इस तरह से हमको यहाँ पर ये बैक साइड हमें इस तरह से निकाल के और अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से ये सिलाई से सिलाई दोस्तों, इस तरह से ये सेट कर लेना है इसको। और दोस्तों, पैंट चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सभी में एक हिसाब से ही यहाँ पर नाप जोक होती है दोस्तों। तो इसकी कमर है दोस्तों 22 है इस पैंट की, छोटे बच्चे की है दोस्तों। बड़ी हो या छोटी हो, इस तरह से होती है। देखो दोस्तों, ये फ्लाई लगी हुई है यहाँ से, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेके इस तरह से, और इसको इंची टेप को इस तरह से पकड़ के और यहाँ पर 22 का हाफ कर लेना होगा। इस तरह से 11 इंची को निशान लगाने लेना होगा। और दूसरी साइड में भी दोस्तों ये चेन लगी हुई है, यहाँ से इस तरह से इंची टेप को पकड़ के यहाँ से, और यहाँ पर हमें 11 पर निशान लगा लेना होगा। इस तरह से निशान लगा के और फिर इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा आग नीचे रहना चाहिए दोस्तों, इस तरह से हल्का सा इस तरह से, और इसकी इस तरह से चौक से निशान लगा देते हैं। और उसके बाद में हमें ये हमने बरोबर लगाई है तो ये बरोबर ही आएंगी दोस्तों इस तरह से, और फुटके पर लगाएंगे तो एकदम बिल्कुल सही तरह से आएगी दोस्तों लुक भी। और इसके बाद में ये मार्का हमें इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से। और इसके बाद में हमें यहाँ से इस तरह से मशीन की सहायता से हमें यहाँ पर इसको बराबर में करके इस तरह से अच्छे से, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी होगी इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमें एक, आप पहले तो कच्ची सिलाई लगा सकते हो और फिर बाद में आप पक्की सिलाई लगा सकते हो दोस्तों। इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसको देख लेना होगा इस तरह से कि हमारी ये सिलाई सही आई है कि नहीं है। दोस्तों देखो, अच्छे से ये सिलाई आ गई है, इस तरह से ये दोनों बेल्ट है ना बराबर में आना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे। और पलटने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये चेन लगी हुई है ना, ये चेन यहाँ से और ये ऊपर वाली फ्लाई है, इस तरह से लगभग 2 सूत का अंतर रहना चाहिए दोस्तों, इस तरह से। और इसके बाद में हमें यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर एक अच्छी सिलाई इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हो, इसके बराबर में करके यहाँ से इस तरह से। देखो आपको मैं बता देता हूँ, इस तरह से बराबर में करके, आप नए हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप वैसे भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगा लेना, इस तरह से कच्ची सिलाई लगा के आपको क्या करना होगा कि यहाँ से पहले आपको देख लेना होगा लगभग 2 सूत, इस तरह से बराबर में करके इस तरह से लगा लेना होगा। और फिर नीचे से इस तरह से यहाँ पर ये हमें नीचे से यहाँ पर 1 सूत या 2 सूत इस तरह से इसके ऊपर से रख के यहाँ से, और ये हमें ये चेन लगी हुई है, यहाँ ये कुटका है, यहाँ से इसकी सिलाई करनी है दोस्तों इस तरह से। यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी सिलाई करनी है इस तरह से यहाँ पर सिलाई करनी है इस तरह से पक्का करके। और दोस्तों इसको इस तरह से, और नीचे की सिलाई को इस तरह से चिराई कर लेना है इस तरह से, और ऊपर की को इस तरह से हमें चिराई कर लेना है इस तरह से नाखून लगा ले अच्छे से। और इसके बाद में कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करके, और ये नीचे की सिलाई ये बीच का सेंटर दोस्तों इस तरह से मिला के देख ली इस तरह से, और फिर इसकी सिलाई करें इस तरह से।
दोस्तों चिराई करके और बीच में सेंटर रहना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर अच्छे से दो तीन बार सिलाई कर दें। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हमने ये ऊपर से जुड़ाई की थी इसके बराबर में हमें सिद में लाना होगा इस तरह से। आप वैसे इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं, इस तरह से आप निशान लगा के और फिर इसकी सिलाई कर सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों हमेशा यहाँ पर पक्की सिलाई करें और बारीक करें और डबल सिलाई करें दोस्तों, और सिलाई पर सिलाई करें दोस्तों, यानी कि हमने एक सिलाई लगाई है ना उसके ऊपर से ही एक सिलाई हम आनी चाहिए दोस्तों इस तरह से सिलाई से सिलाई आनी चाहिए दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें नोच लगा लेने होंगे इस तरह से। नोच लगाने से क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये धागे हैं, ये निकलेंगे नहीं दोस्तों। इस तरह से लगाएंगे तो ये निकलेंगे नहीं, ये इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से मोड़ना होगा, इस तरह से दोनों साइडों बराबर मोड़ के इस तरह से हमें रखना होगा इस तरह से। और इसके बाद में हम यहाँ पर एक बोंट की सिलाई लगाएंगे इस तरह से दोस्तों। इसकी बराबर में दोस्तों हमें ध्यान रखे, ये मार्जिन है ना, ये सिलाई की बराबर में आना चाहिए इस तरह से। ये मार्जिन सिलाई की बराबर में आना चाहिए दोस्तों इस तरह से। और ये हमें ये बीच का सेंटर यहां तक इसको मोड़ना है इस तरह से। हमें यहाँ पर बिल्कुल कम सिलाई भी यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से सिलाई करनी होगी इस तरह से। इसको ऐसे करके यहां से बीच सेंटर में से इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से मोड़ के इस तरह से, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से बराबर में करके इस तरह से सिलाई लगाना है। और उसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होगी दोस्तों पहले हमें यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से। यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेनी होगी दोस्तों, और इसकी हमें तुरपाई करनी होगी दोनों साइडों में इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा, इसको वापिस इस तरह से पलट लेंगे, इसको पैंट को इस तरह से पलट लेंगे। और पलटने के बाद में हमें ये धागे हैं एक्स्ट्रा हैं, इसको तो हटा लेना है। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये कच्ची सिलाई लगाई थी हमने, इसको तो इस तरह से निकाल लेना है। और इसके बाद में हमें ये चेन है ना, उसको सीलना है इस तरह से ये नीचे वाली फ्लाई से सीलना है। इसकी बराबर में रखी इस तरह से। और ये सिलाई आ रही है और ये नीचे की सिलाई दोस्तों इसकी बराबर में रहनी चाहिए इस तरह से। और फिर इस चैन को इस तरह से खोल लेना है, और खोल के इस तरह से, और ये बिल्कुल सीधी चैन आनी चाहिए दोस्तों इस तरह से। और फिर दोस्तों इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है यहां से। इसकी ये चैन है ना, इसकी थोड़ी सी जड़ में इस तरह से लगा लेनी है।
यहां से इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से। दोस्तों यहां पर धीरे धीरे सिलाई चलाएं, इस तरह से, इस तरह से धीरे धीरे सिलाई चलाएं यहां पर, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको तो यहां से काट लेना होगा दोस्तों, और ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको भी यहां से हटा देना है दोस्तों। हमें विशेष ध्यान रखे धागे का, इस तरह से। और फिर हमें क्या करना होगा कि इसको यहां पर दोस्तों एक कुटका लगा लेना होगा, इस तरह से कुटका ये लगा लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से यहां पर नोच लगा लेनी होगी, इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि एक कुटका में यहां पर लगा लेना होगा, इस तरह से। दोस्तों ये सिलाई है ना, ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए, थोड़ी सी इस तरह से, इस तरह से कुटका लगा लेना है। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से सीधा कर लेना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से खींचना होगा, इस तरह से, इस तरह से खींच के इसको पकड़ के, इस तरह से। और हमें एक सिलाई लगा लेनी होगी, सिलाई हमें ये है ना, ये यहां से जहां पर यह हमने सिलाई लगाई है वहां से लगभग यहां पर एक इंची की सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। आप इस तरह से आप एक इंची में एक सूत भी सिलाई कम लगा सकते हैं, इस तरह से, एक एक इंची में एक सूत कम, इस तरह से निशान लगा लेना, इस तरह से। और ऊपर भी हमें इस तरह से निशान लगा लेने होंगे, इस तरह से। और इसकी इस तरह से हमें एक, इस तरह से हमें ये राउंड बना लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको उल्टा कर लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से उल्टा कर लेना होगा। और उल्टा करने के बाद में दोस्तों ये फलाई है ना, ये फलाई, इस तरह से यहां पर हमने ये मार्का किया है, ये मार्का किया है यहां पर, इस तरह से हमें ये, इस तरह से करके, और यहां पर इस तरह से, इस तरह से हमें यहां पर अच्छे से देख के, और इस तरह से यहां पर पक्का करके, इस तरह से, और इस तरह से हमें नीचे से पकड़ के, इस तरह से। और ये हमने निशान लगाए हैं वहां वहां से इसकी सिलाई करनी है, इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों नीचे का ध्यान रखें, इस तरह से ये है ना, ये इस तरह साइड में आना चाहिए, इस तरह से ये दम न जाए, विशेष ध्यान रखें। और इस तरह से हमें धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई करें, इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर गोलाई में इस तरह से, और इस कपड़े को इस साइड में निकाल के यहां से अच्छे से, और इस चैन को यहां से जुड़ लेना है, इस तरह से ऊपर, और इस तरह से यहां पर सिलाई लगानी है, इस तरह से, इस तरह से सिलाई लगानी है, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इस तरह से घुमा लेना होगा, इस तरह से घुमा के, और ये नीचे इस तरह से इसको उठा लेना होगा, और ये नीचे की फलाई है ना, इसको इस तरह से सीधा कर देना होगा, और सीधा करके यहां पर इस तरह से यहां पर एक सिलाई लगा लेनी होगी, इस तरह से, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी होगी, और इस तरह से घुमा के अच्छे से, इस तरह से नीचे से भी देख लेना होगा। और इसके बाद में हम यहां पर पक्की सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से दो तीन बार यहां पर, इस तरह से। और आप चाहे तो इस तरह से नीचे तक भी इस तरह से आप लगा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से भी सेंटर तक आप लगा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखो नीचे से हमें इस तरह से आनी चाहिए दोस्तों, इस तरह से। और
ऊपर से हमें, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटी हो बड़ी हो दोस्तों हमेशा इसी तरह लगा लिया करो, इस तरह से ये आएगी दोस्तों, इस तरह से ये एकदम बढ़िया सी बैठ जाएगी दोस्तों, इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये मार्जिन है, ये मार्जिन को यहां से इसको काट लेना है, इस तरह से काट के। और दोस्तों क्या करना होगा कि इस तरह से हमें यहां पर हुक लगा लेनी होंगे, यहां पर हुक लगा लेनी होंगे। हुक लगाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये है ना, ये निशान लगाए हैं, देखो आपको मैं बता देता हूं, ये चेन आ रही है ना, इसके सिद्ध में ये एक तो हुक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा, और इसके बाद में इसको बराबर में करके इस तरह से बराबर में करके इस तरह से इसको लगा देना है, इस तरह से बराबर में करके देख लेना होगा अच्छे से, इस तरह से। और ये दूसरा है ना हुक, इसको भी इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से। और अच्छे से लगने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये है ना, इसको इस तरह से रख के, और यहां पर आप कपड़ा भी लगा सकते हैं दोस्तों। कपड़ा लगाने से क्या फायदा होगा कि ये है ना जल्दी से हुक खराब नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं दोस्तों। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लगाना है कपड़ा, ये कपड़ा है ना, इस तरह से आपको काट लेना होगा, इस तरह से काट के, और इसको इस तरह से बगल में करके इस तरह से, और यहां पर अंदर इस तरह से लगा सकते हैं, इससे लगाने से क्या होगा कि ये हुक है ना वो जल्दी से खराब नहीं होंगे और ये टूटेंगे नहीं दोस्तों, बाहर नहीं निकलेंगे। कई बार क्या होता है कि ये निकल जाते हैं, तो इस तरह से लगाने से ये निकलेंगे नहीं, इस तरह से ये लगा लेना है, इस तरह से। आप दोस्तों यहां पर किनार भी लगा सकते हैं, और इस तरह से आप ये कपड़ा दोनों साइडों में इस तरह से यहां पर हुक ऊपर लगा सकते हैं, इस तरह से। यहां पर लगा सकते हैं अच्छे से, और इसको मोड़ लेना है दोनों साइडों में इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये है ना, मैं बेल्ट है ना वो सिराई वाला बेल्ट बनाया हूं, तो आपको बता रहा हूं मैं, देखो इसको तो यहां पर सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से यहां पर सिलाई लगा लेनी है। और यदि आपको ये सिराई वाला बेल्ट की स्टिचिंग नहीं आती है तो दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये मार्जिन है ना एक्स्ट्रा, इसको तो काट देना, इस तरह से काट देना होगा, इस तरह से मार्जिन को काट देना होगा। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से पलट लेना होगा, इस तरह से पलट के, और यहां पर हमें एक सिलाई लगानी होगी, हमें ये ध्यान रखना होगा ये इधर से बराबर में रहना चाहिए इस तरह से, और इस तरह के बाद में यहाँ पर एक सिलाई लगानी होगी इस तरह से, ये हमें ध्यान रखना होगा, इधर ये साइड में बराबर में रहना चाहिए इस तरह से, नीचे का भी ध्यान रखें हमें कपड़ा निकल जाए इस तरह, और इस कपड़े को इस तरह से पकड़ के इस तरह से अच्छे से, और यहाँ पर एक जड़ में सिलाई लगाए दोस्तों इस तरह से, इधर भी ध्यान रखना होगा हमें, इस साइड में नहीं आना चाहिए, इस तरह से हमें ध्यान में रखना होगा, इस तरह से हमें ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर इस तरह से पट्टी करके यहां से हटा लेनी होगी इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों इसको क्या करना होगा कि इसको इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से मोड़ के, और यहां पर इस तरह से इसको पलट लेना होगा, इस तरह से पलट लेना होगा इस तरह से। और यहां पर हमें कैंची की नोक की सहायता से यहां पर ये निकाल लेना होगा इस तरह से,
इस तरह से ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छे से निकालें यहां पर इस तरह से, इस तरह से निकाल लेना है। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि ये है ना, यहां पर हमें ये देख लेना होगा इस तरह से, ये इस तरह से आएगा दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से। और यहां पर आप चाहे तो यहां पर आप एक निशान लगा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से निशान लगा के, और आप यहां पर इस तरह से अंदर की साइड में इस तरह से, इस तरह से यहां पर एक सिलाई लगा देनी। और आप चाहे तो यहां पर तुरपाई भी कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से यहां पर एक सिलाई लगा देनी है, इस तरह से यहां पर एक सिलाई लगा देनी है, इस तरह से, इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से कर लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको तो हटा देना, इस तरह से, इस तरह से। और इसको इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से मोड़ के, और इस तरह से पलट के यहां पर। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको यहां पर सिलाई लगानी होगी, इस तरह से यहां पर एक जड़ में सिलाई लगानी होगी दोस्तों, इस तरह से, यहां से पक्का करके इस तरह से। और नीचे से भी हमें देख लेना होगा दोस्तों, कपड़ा नहीं दब जाए, इस तरह से हमें देख लेना होगा। और इसके नीचे इस तरह से देख के यहां से इसकी जड़ में इस तरह से पक्का करके, और यहां की इसकी इस तरह से सिलाई लगानी होगी। और चाहे दोस्तों आप तुरपाई भी कर सकते हो यहां पर, इस तरह से यहां पर सिलाई लग लेनी है, इस तरह से, इस तरह से ये सिलाई लग जाती है दोस्तों। और ये अच्छे से सफाई का विशेष ध्यान रखें। और इस तरह से यहां पर ये धागे हैं इसको भी हटा लेना है यहां से काट के, इस तरह से, इस तरह से दोस्तों ये लगा लेना है, इस तरह से। ये बार की साइड है इस तरह से। और दोस्तों अब हम इसमें आई लगाएंगे। आई लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस तरह से ये चेन को जुड़ के यहां से इस तरह से, और यहां पर इस तरह से करके ये हुक आ रहे हैं इसकी बरोबर में, इस तरह से यहां पर लगा लेने हैं, इस तरह से यहां पर निशान, इस तरह से, इस तरह से ये निशान लगा लेने हैं। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम लगाएंगे इसमें आई लगाएंगे, तो दो आई लगाएंगे इसमें इस तरह से, ये दो आई लगाएंगे, ये थोड़ा सा तिरछा है, इस तरह से इसको यहां पर लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से यहां पर बरोबर में ये निशान लगाए हैं यहां से इसके बीच सेंटर में, इस तरह से, इस तरह से लगाएंगे दोनों साइडों में, इस तरह से। इसको आई बोलते हैं दोस्तों, इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहां से, यहां से हमें ये हुक लगा लेनी, ये आई है ना इसके, ये लगा लेना होगा इस तरह से, इस तरह से ये लगा लेना होगा, इस तरह से। और इसको इस तरह से मोड़ देना होगा, इस तरह से। और ये दूसरा है ना, ये भी हमें इस तरह से यहां पर लगा लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से लगा के और मोड़ लेना होगा, इस तरह से,
देखो आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से ये लगा लेना होंगे इस तरह से। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि सिलाई करनी होगी हमें, ये दोस्तों हमें अंदर ही रहना है, पैक करना है इसको इस तरह से। और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, इस तरह से। दोस्तों ने ये सिलाई लगा लेनी होगी और ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको काट लेना है इस तरह से। दोस्तों इस तरह से ये पैंट बनके तैयार हो जाती है, आप कमर इस तरह से जोड़ लेना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।